चमन चपराशी, ए चमन चपराशी, कम हियर चपराशी। अरे बोल नहीं पाई, ऐसी जगह खड़े हैं और हिंदी में बोला ऊपर है, बस अंग्रेजी अंग्रेजी झाड़त रहा। बोल नहीं पाएगा, कहाँ खड़ा है ये तो बता। संडास में खड़े हैं, मूत रहे हैं, बोल नहीं पाई, अलकट आदमी। अरे ललिता पवार, बाहर निकल टॉयलेट से। का है बताबो, मूड खाए। तुम्हें इतने दिन हो गए हैं यहाँ, इंग्लिश के दो वर्ड नहीं समझ पाए। हाँ नहीं समझ पाए, बताबो का कर लिया हो। तो देखो ये है यू डिक्शनरी ऐप, इसमें हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी और भी कई भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकते हो। इसमें एक नया मैजिक फीचर आया है, करना ये है, यू डिक्शनरी ऐप को अपने फ़ोन में ओपन करो, सेटिंग में जाओ, मैजिक ट्रांसलेट को इनेबल करो और उसके बाद तुम अपने चैट या किसी टेक्स्ट को अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर तो जा बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, कतई मजा आई जी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना। ठीक है कर ली। ये बता ऑफिस अभी खुला है और तेरा हगना मुड़ना शुरू हो गया, घर से करके नहीं आता है? घर में कहाँ से करें, पांच बच्चा है, एक बीबी है, सब एक एक करके जात, हमारो मौका ना आई पाऊ जो हम हगी लें हैं सुकून से। ऊपर से अगर ऑफिस के लिए अगर लेट हो जाओ तो तुम्हारो दाहिनो गलौवा फूल जात। चमन चपरासी सुधर जाओ बेटा, तुम ज्यादा अम्मा बनने की कोशिश ना करो, नहीं तो भगा देंगे, रोड पे भीख मांगोगे। तुम्हारी नाय बस की, भगाए पाबाओ, हम खुद चले जाए यहाँ से, बगल में एक और ऑफिस है, हुआ काम कर लिए जाए, तुमसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं, पर हम ऐसो कर ही ना है, दया कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। तू हमारे ऊपर दया कर रहा है, वाह भैया वाह, क्या बात है, सुन के कटाई मजा आ गया। तुम काम बताबो का रहा है, ना तो हम जा रहे तम्बाकू कहीं जाए के बैठ के। हमने कल तुमसे क्या कहा था, छेल बिहारी के यहाँ से उधार वाले पैसे ले आना, लाए थे? गे रहा है ना है दे पैसा, कहीं बॉस से कह दिया जाए के तुम्हारे पिछवाड़ा मगर दम होए तो निकाल लो पैसा। अच्छा और तुम सुन के चले आए, तुम्हारे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, मुंह में क्या टेप लगा था? यहाँ तो तुम्हारा मुंह मशीन की तरह चलता है, उसके सामने कुछ नहीं बोल पाया, मूर्ख कहीं का। हाँ ना बोल पाए, काहे लोगन का खराब माल बेचा था, सब सड़े हुए बिस्कुट भेजे ना तुमने, चूहा के खेब है, तो आदमी कहाँ से पैसा दी, यह कहो की छेल बिहारी तुम्हें मारन ना आओ। अबे तू मेरा चपरासी है कि उसका चपरासी है, पाठ तो तू उसका ऐसा ले रहा है जैसे वो तेरे खाला का लड़का है। देखो साहब हमारी आदत है दूसरी, हम लल्लो चप्पो करना है पाते हैं, साफ बात कहते हैं और सच हमेशा कड़ुओ होता है, आप बुरो लग जाए तो मेरे कद्दूस। कद्दू हम तुम्हारा फोड़ देंगे, चपरासी बनना घूम रहा है, ना पढ़ा ना लिखा, काला अक्षर भैंस बराबर, हमसे मुजोरी कर रहा है, चमन चपरासी कहीं का। अरे हटाओ यार, हम जा रहे तम्बाकू खान। ऐसा चपरासी भैया किसी को ना मिले। सर जी बाहर एक आदमी आओ है, बहुत भयंकर गुस्सा में है, गाली बक्कर हो है, तुमसे मिलना चाह रहे है, भेज दे अंदर। नहीं भेजने को भक। जई हरकतन से, जई चिल्लान वाली आदतन से, एक दिन तुम कूड़ा भी नहीं हो रोड पे, जब किराना वाली कंपनी है ना तुम्हारी, डूब जाई। डूब जाए तो डूब जाए, जान थोड़ी चली जाएगी, इतनी सर्दी गर्मी नहीं लेते हैं, कंपनी है जिंदगी नहीं। अरे सर जी बहु आदमी बहुत गाली बक रहो है, तुम्हारी अम्मा बहनी याद कर रहो है, कह रहो है नमक हराम बॉस का अपने बाहर निकालो, अंदर भेज दे बताबो का, ही नहीं मार खाई लो, बाहर का है बेइज्जती करवैया हो। तुझसे मना किया अंदर भेजने को, समझ नहीं रहा है शुअर कहीं का भक। जो तुम लोगन का घटिया माल बेच रहे हो, देखे रहो एक दिन तुम बेपनाह मारे जाइयो। चुप चुपचाप खड़ा रहे, मुंह से आवाज ना निकले तेरे। कायदम रहो, सच बोल रहे हैं, सच सुनने का डर लग रहा है? डरते तो हम अपने बाप से भी नहीं है, सारे चोर डकैत कहूं को अंदर छुपो बैठो है। क्या है बोलो। सारे तूने सारो सड़ो माल हमें भेजो है, तेरी कंपनी का जेह काम होता है, ग्राहक हमें हमारी अम्मा बहनी गाली दे रहे है। हमने सड़ा हुआ माल नहीं दिया है, रास्ते में जाते हुए सड़ गया होगा तो हम क्या करें, हमारी जिम्मेदारी है। कंपनी से इनकी दुकान की दूरी 1 किलोमीटर की है, इतनी देर में कैसे सड़ जाएगी। देखो का कह रहे हो तुम्हारा चपरासी, तुमसे तो बढ़िया तुम्हारा चपरासी है, तेरे खिलाफ तो हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। अब आओ ऊंट पहाड़ के नीचे, तेरे ऊपर अगर हमने पुलिस से डंडा ना चलवाए तो मेरो भी नाम सुड़का दास ना है। पुलिस, पुलिस से क्या हम डरते हैं, तुम्हारी बस की बात है, जाओ लिखवाओ जाके पुलिस में रिपोर्ट। बस की बात तो इतनी है कि अब तुम्हें ही नहीं कुचलाए, तो शुभ काम में देरी कैसी, करो भैया बिस्मिल्ला इनके ऊपर। ढट, हमें मारेगा तू, दिखा मार के ले, देखो फिर तुम्हारी नानिक नस।